गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास. स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 जिसका नाम था नोइंग आर नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 3 पे आ चुके थे. और एक्सरसाइज 3 के भी हमने अप टू 19 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. हमने सबका सॉल्यूशन देखा था, सबकी लैंग्वेज देखी थी, है ना. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20. जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए, अपने राइटिंग मटेरियल्स, नोटबुक सबके सबको अपने पास ही रखना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 इज अ स्कूटर कॉस्ट रुपीज 36,725. एक स्कूटर की कीमत 36,725 रुपीज़ है. हाउ मच विल 487 स्कूटर्स कॉस्ट? तो 487 स्कूटर्स कितने रुपीज़ के आएंगे, कितनी कीमत होगी? मतलब अगर एक स्कूटर की कीमत 36,000 है तो 487 स्कूटर्स की कीमत कितनी होगी? स्टूडेंट्स, इससे पहले भी कई सारे हमने क्वेश्चंस जो किए हैं वो बिल्कुल सेम टाइप के हैं. मतलब मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि जब भी आपको एक वस्तु की कीमत दी हो और ज़्यादा की पूछी हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है. देखिए, इधर एक स्कूटर की कीमत दी हुई है और ज़्यादा स्कूटर की कीमत पूछी है, इसका मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई 36,725 बाय 487. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, दिस वे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर, दैट इज 36,725. सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक स्कूटर की कीमत कितनी है, 36,725. बट वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर्स. लेकिन हमें 487 स्कूटर्स की कीमत निकालनी है, उसके लिए क्या करना होगा, 36,725 को मल्टीप्लाई करना होगा 487 से. एंड आफ्टर मल्टीप्लाई इट बाय दिस यू विल गेट ₹1,78,85,075 एंड इट विल बी योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर गिवन द कॉस्ट ऑफ वन थिंग और वन यूनिट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मोर यूनिट्स, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ बोथ. ओके, जब आपको एक वस्तु की कीमत दी हुई है, ज़्यादा की पूछी है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है कीमत में और यूनिट्स में. क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस आप ऊपर भी कर चुके हैं, ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही थे. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 20 को अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करोगे. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. एन एरोप्लेन कवर्स 1,485 किलोमीटर्स इन 1 आवर. स्टूडेंट, कवर्स का मतलब होता है तय करना, दूरी तय करना, ठीक है. तो एक एरोप्लेन 1,485 किलोमीटर दूरी तय करता है एक घंटे में. आर माने घंटा, तो एक घंटे में एक एरोप्लेन 1,485 किलोमीटर कवर करता है. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स? डिस्टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स दूरी. मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि अगर आप किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो आप उसे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे. इसलिए जो भी वर्ड, जो भी मीनिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप साथ के साथ नोट करते जाओ. ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस माने होता है दूरी. अगर एक एरोप्लेन एक घंटे में 1,485 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 72 आवर्स में, यानी कि 72 घंटों में वो कितनी दूरी तय करेगा? बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस के जैसा है,
वन आवर की डिस्टेंस दी है तो 72 आवर्स का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 72. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Students, here is your question number 21. Distance covered in 1 hour. एक घंटे में चली गई दूरी कितनी है? 1485 किलोमीटर. Next, distance covered in 72 hours. इसमें हमें क्या निकालना है कि 72 घंटों में कितनी दूरी चली गई होगी. So, we have to multiply 1485 by 72. After multiplying this, we'll get 1,06,920 किलोमीटर. अगर कोई हवाई जहाज एक घंटे में 1,485 किलोमीटर चलता है तो 72 घंटों में 1,06,920 किलोमीटर चलेगा, जो कि आपका उत्तर है. क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आप कर लोगे. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको ऊपर बताती आ रही. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का आप लोगों का काम है कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 विद लैंग्वेज अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, अप टू 21 तक आप अपनी फेयर नोटबुक में अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स.